हरे कृष्णा राधे राधे माधव कृष्ण में आप सभी कृष्ण भक्तों का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं अपनी 15 इंच की राधा रानी का ये प्यारा सा लहंगा। तो ये देखिए लहंगा बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा है। ये व्हाइट कलर का है और हमने इसे व्हाइट ही पूरा लुक दिया है। इसमें व्हाइट फ्लावर्स लगाए हैं, व्हाइट कॉलर लगाए हैं और इस तरीके का देखिए बहुत ही प्यारा सा लुक आ रहा है। हमने राधा रानी की कमर पर ये लटकन वाली लेस भी लगाई है। आज यही लहंगा हम इस वीडियो में आपको बनाना बताएंगे। जैसे कि मैंने बताया हमारी 15 इंच की युगल सरकार है, उनके लिए हमने राधा रानी के लिए लहंगा बताया और इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगी अपने ठाकुर जी के लिए प्यारी सी सलवार धोती। तो इस तरीके की सलवार धोती देखिए हमने अपने ठाकुर जी के लिए बनाई है और ये भी बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी है। इस तरीके की हमने यहाँ पर लटकन लगाई है और ये सलवार टाइप देखिए इस तरीके से हमने डिफरेंट धोती बनाई है। आप इसका इसको देखने के बाद कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लग रही है। ये भी हम आपको जल्दी ही बनाना बताएंगे। तो ये देखिए हमारे ठाकुर जी के लिए बहुत ही प्यारी सी धोती हमने सेम इसमें मैचिंग बनाई है। तो देखिए जैसे कि मैंने अपने राधा रानी की स्कर्ट दिखाई है, लहंगा दिखाया और ठाकुर जी के लिए सलवार धोती दिखाई है, इसी के साथ मैं दिखाना चाहूंगी शरद पूर्णिमा के लिए अपने ठाकुर जी के लिए प्यारा सा ये देखिए प्यारी सी ड्रेस। तो हमने ठाकुर जी के लिए प्यारी सी ड्रेस बनाई है, बहुत ही सुंदर प्रीटी लग रही है। ये देखिए बहुत प्यारी सी शरद पूर्णिमा के लिए हम आपको ये बनाना बता रहे हैं। इसी तरीके का आप भी ड्रेस बनाना चाहते हैं तो आप भी अपने ठाकुर जी के लिए इसलिए बना सकते हैं। तो इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से देखकर आप बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम खर्चे से बनी हुई ड्रेस प्यारी सी है, इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ जो भी मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए मैं अब आपको राधा जी के लहंगे का मेजरमेंट बताती हूँ। मेजरमेंट जैसे हमारी ये लंबाई हमें जो ली है देखिए यहाँ से हमने 10 इंच ली है, 10 इंच ली है और कमर हमें यहाँ पे रखनी है 8 इंच। ये देखिए 8 इंच, ये 4 इंच है तो इसका डबल जो होता है ये 8 इंच हो जाता है। तो इस तरीके से लेने के बाद ये डबल कपड़ा है और जिसका घेर हमारा तैयार होगा, ये देखिए घेर यहाँ पर हुआ है इस तरीके से 11 इंच। तो ये 11 इंच है तो 11 दूनी 22, हमारे यहाँ पे 22 इंचेस घेर तैयार होगा और यहाँ से 8 इंच कमर है। तो ये हमने इस तरीके से कट कर लिया है, ये देखिए इतना हमारी चौड़ाई होगी, इसको कट कर दिया। इसके ऊपर हमने ये नेट कट कर लिया जो हम नेट वाला शरद पूर्णिमा के लिए बना रहे हैं। जैसे कि आपने देखा ये स्टार्टिंग में बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लहंगा है ये यहाँ पर, इस तरीके हमने ये नेट कट कर लिया। और इस तरीके से जो ये नेट है, नेट हल्की होती है तो इसके ये 4 लेयर है, देखिए 4 लेयर है। तो इस तरीके से हमने जिगजैग सीजर से नीचे कट कर लिया है। तो इस तरीके से कट करने के बाद इसके फ्रिल तैयार करेंगे, नीचे का तो प्लेन कपड़ा रहेगा और इसके फ्रिल तैयार करेंगे यहाँ से ऊपर से। तो देखिए हमने यहाँ पर ये फ्रिल बना लिया, कितनी प्यारी है, बहुत ही सुंदर तरीके से ये फ्रिल तैयार होगी। और अब इस पर अटैच करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से अटैच करेंगे। अटैच करने से पहले मैं सबसे पहले इसको नीचे से फोल्ड कर लेंगे। आप अटैच करने के बाद भी फोल्ड कर सकते हैं, जितनी लेंथ आपको दिखाई दे रही है इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जितना हमें फोल्ड करना है इस तरीके से हम नीचे फोल्ड कर सकते हैं। तो और थोड़ा सा इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा इसको बड़ा रखेंगे और इसका छोटा रखेंगे, इसके अकॉर्डिंग यहाँ से स्टिच करेंगे और इसको उतना ही हमें फोल्ड कर देना है। ये देखिए हमने यहाँ कमर से इसको अटैच कर दिया, स्टिच कर दिया। इस तरीके से स्टिच करने के बाद ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये लेंथ थोड़ी लंबी दिखाई देगी आपको, और जितनी हमें एक्स्ट्रा है इस तरीके से हम जो हमें लंबाई लहंगे की रखनी है, लहंगे की लंबाई जिस तरीके से रखेंगे उसको नापने के बाद जितना हमें एक्स्ट्रा लगे इस तरीके से हम यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे, यहाँ पर इतना इतना फोल्ड कर लेंगे। और ये देखिए इस तरीके से हम स्टिच कर लेते हैं, पहले इसको स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे नीचे से इसका घेरा स्टिच कर दिया। इस तरीके से घेरा स्टिच करने के बाद ये हमारी नेट अलग से है, इसको भी हम साथ में स्टिच करेंगे। पहले स्टिच इसको करेंगे और साथ में इसके बाद रखने के बाद इसको स्टिच करेंगे ताकि हम फ्लावर्स इस पर आसानी से चिपका सकें। तो देखिए हमने यहाँ पे स्टिच लगा दिया और इस तरीके से पक्का कर दिया। पक्का करने के बाद ये देखिए बहुत ही सुंदर फ्रिल तैयार हो गया नीचे नीचे। अब हम यहाँ पर नेफा स्टिच करेंगे। देखिए नेफा स्टिच करने के जो हमारी हमारी राधा रानी की कमर होती है, कमर के अकॉर्डिंग हमें इस तरीके की पट्टी लेनी है और यहाँ पर नेफे के लिए स्टिच करना है। पहले इस तरीके से रखने के बाद स्टिच करेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर फोल्ड कर देंगे। तो आइए मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ पहले। तो हमने नेफे की पट्टी स्टिच कर ली है। स्टिच करने के बाद इसी के साथ साथ मुझे इस तरीके की लेस लगानी है, लटकन वाली मैं लेस लगाऊंगी। तो मैंने ठाकुर जी के पजामे में भी इसी तरीके की लेस लगाई और कमर के लिए बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा जिसके लुक आएगा तो मैं यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे। और जैसे कि नेफा स्टिच करेंगे, हम यहाँ पर नेफा स्टिच करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था।
तो आप इस तरीके से सिंपल नेफा भी स्टिच कर सकती हैं और साथ में इसी के साथ साथ इस तरीके से रखेंगे और इस वाली लेस को हम यहाँ पर स्टिच कर देंगे। ये देखिए हम यहाँ पर लहंगे के यहाँ पर स्टिच कर दिया। इस तरीके की लेस हम यहाँ पे साइड में यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से स्टिच कर दिया। स्टिच करने के बाद देखिए बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब ये स्टिच करने के बाद हमें क्या करना है, इसको डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर फ्लावर्स लगाएंगे और पोलन लगाएंगे। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया हमारा स्टिच होकर कंप्लीट हो गया ये लहंगा। और अब हमें क्या करना है, मैंने बताया था मुझे इसको डेकोरेट करना है। ये व्हाइट ड्रेस बना रहे हैं, बिल्कुल प्योर व्हाइट, बहुत ही सुंदर लुक उसका आएगा। जैसे कि हम इसके व्हाइट फ्लावर लगाएंगे इस तरीके के, देखिए ये व्हाइट फ्लावर लगेंगे और व्हाइट ही पोलन लगाएंगे। इस तरीके से लगाने के बाद ये हमें ढेर सारी निकाल के रख लिए, कट कर लिए। अब यहाँ पर जैसे मैंने सिलाई लगाई थी, सिलाई इसीलिए लगाई थी इजिली इस तरीके से हम इसको पेस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से रखते जाएंगे और ये देखिए बहुत ही प्यारा सा इसका लुक आएगा। इस तरीके से मैं इनको साथ साथ एक एक करके रखती जाऊंगी और यहाँ इनको ग्लूगन से पेस्ट कर देती हूँ। तो ये देखिए मैंने सभी पोलन और फ्लावर्स इस ग्लूगन से चिपका दिए हैं। तो ग्लूगन से बहुत ही अच्छे से पेस्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से इस पर चिपकने के बाद बहुत ही, ये देखिए बहुत ही अच्छा काम हो जाता है। तो हमने इनको सभी को फ्लावर्स को और पोलन को चिपका दिया, पक्का हो गया ये काम। बहुत सुंदर, बहुत ही प्रेटी ये ड्रेस लग रही है। तो ये ड्रेस देखिए बहुत यहाँ पर कंप्लीट होती है और यहाँ पर देखिए कमर पे बहुत ही सुंदर लग रही है लेस भी। और हमने इसको टू लेयर्स यहाँ पर लगा दिया। आप चाहो तो इस तरीके साथ साथ भी लगा सकती हैं, थोड़ा डिस्टेंस पे भी लगा सकती हैं। और इस तरीके से ड्रेस यहाँ कंप्लीट होती है, बहुत ही प्यारी लग रही है हमारी राधा रानी की ड्रेस। ये देखिए, ये देखिए, तो ड्रेस बहुत ही प्यारी लग रही है। शरद पूर्णिमा के लिए हमने आपको ये ड्रेस बनानी बताई है, आप भी इसी तरीके से अपनी राधा रानी के लिए प्यारी सी ड्रेस बनाइए। मैं आशा करती हूँ मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग राधे राधे।